जय गुरुदेव मित्रों मित्रों जीबीएस पामिस्ट्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों आज हम इस हाथ के अंतर्गत ये विश्लेषण करेंगे कि क्योंकि ये हाथ एक सैनिक का हाथ है, एक आर्मी मैन का हाथ है और हम ये देखेंगे कि इनको मतलब सरकारी नौकरी किस प्रकार से मिली है, कब मिली है और ये आर्मी में गए हैं तो इसका क्या कारण रहे हैं कि इनको वहाँ पर सरकारी नौकरी मिली है। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सरकारी नौकरी के विषय पर जब हम देखते हैं तो हम सूर्य पर्वत को देखते हैं, आपके सन माउंट को देखते हैं, आपकी सन लाइन को भी देखते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि एक सूर्य रेखा तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ठीक है, ना के ही बराबर है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर। लेकिन जो सूर्य का जो पर्वत है वो क्या है कि यहाँ से उंगली, जो सूर्य की उंगली है आपकी अनामिका उंगली है, ये आपकी ऊपर की ओर सेटल है। आपने देखा कि इससे क्या हुआ कि इस पर्वत को और बल मिल गया, इसका फैलाव और हो गया, एक बात तो हमने यहाँ पर ये देखी। साथ ही आप देखते हैं कि जो सूर्य की उंगली है अनामिका उंगली जो है वो क्या हो गई, वो आपकी बड़ी है, तर्जनी उंगली से भी बड़ी है। तो यहाँ पर एक बात हमने यहाँ पर ये भी देखी जो इनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को, रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाती है, साथ ही सूर्य के पर्वत के जो गुण होते हैं, सन के जो गुण हैं उसको भी बढ़ा देती है। और सूर्य सरकार का कार्य ग्रह होता है इसलिए यहाँ पर हाथ के अंतर्गत तो सूर्य का यहाँ पर बलि होना भी काफ़ी आवश्यक माना गया है। तो एक बात तो हमने यहाँ पर ये देखी। अभी हम यहाँ पर अगर रंग को देखते हैं तो जो हाथ का रंग है वो पिंकिश है, तो ये पिंकिश कलर होता है वो भी ऊर्जा उत्साह व्यक्ति को देता है। साथ ही आप यहाँ पर एक बात और देखेंगे क्योंकि जो सैनिक वगैरह के हाथ होते हैं वो कठोर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हाथ में थोड़ा सा रफलीनेस है, थोड़ा कठोरता है, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो भी देखते हैं तो ये भी पता लगता है यहाँ से भी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो उंगलियाँ हैं ये छोटी है, हाथ की जो उंगलियाँ अगर हम देखें तो ये उंगलियाँ हथेली के मुकाबले में, ये जो आपकी हथेली है इसके मुकाबले में काफ़ी अधिक छोटी है। जब छोटी उंगलियां होती हैं तो ऐसा व्यक्ति मतलब जो डिसीज़न लेता है, निर्णय लेता है वो थोड़ा स्पीड में ले लेता है, फास्ट ले लेता है, वो बहुत अधिक सोचता नहीं है और वो फास्ट ले मतलब डिसीज़न लेने वाला रहता है। मतलब अगर उसको कहीं से ऑर्डर रहा तो वो एकदम निर्णय लेगा ऐसा कह सकते हैं, या उसको लगा कि दुश्मन सामने तो तुरंत वो फायरिंग कर सकता है या फिर मतलब अपनी जो भी इसको जैसा भी उसको उचित लगेगा, तो वो स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल के पर्वत, क्योंकि एक ये सैनिक होने के लिए मंगल ग्रहों में सेनापति है, तो इसलिए हम यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि जो मंगल की स्थिति यहाँ पर पाम में ये उच्च मंगल बाहरी मंगल की स्थिति होती है और ये स्थिति निम्न मंगल की है, जो कि कितना स्पष्ट रूप से और उभरे हुए हैं ये दोनों भाग हम देख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मंगल की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी है, मंगल के कारण व्यक्ति में स्ट्रेंथ आती है, एक ऊर्जा आती है, उत्साह आता है व्यक्ति के अंतर्गत, क्रोध की भावना आती है, बदले की भावना आती है, रिवेंज जो होता है, लड़ने की जो क्षमता होती है वो सब ताकत, शारीरिक रूप से जो विशेष शक्ति व्यक्ति के अंदर होती है वो मंगल के कारण होती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति सैनिक है तो उसके अंदर ये सारी शक्तियाँ भी होनी चाहिए, तो हमने मंगल को भी देखा है तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखते हैं तो माइंड लाइन को देखिए, ये जो माइंड लाइन है वो भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी माइंड लाइन है, यहाँ पर देखिए छोटी माइंड लाइन है, तो ये भी इस तरीके की जो स्थिति होती है वो भी व्यक्ति में उग्रता जो होती है वो थोड़ा स्पीड में आ जाती है, जल्दी आ जाती है, तो इसको भी देखते हैं। इसके बाद जो सबसे जो बड़ा कॉम्बिनेशन रहता है जो एक सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है, ये तो अभी हमने जो बातें देखी हैं, ये जो जो देखे हैं, जो जो पॉइंट हमने देखे हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम वो देखे हैं हम कहीं ना कहीं सैनिक के अंदर के गुण देखे हैं, लेकिन अगर वो सरकारी नौकरी के अंदर मतलब एक तरीके से वहाँ पे बल और शक्ति के प्रभाव में योद्धा के गुण हमने यहाँ पर अभी देखे हैं, साथ ही वो गवर्नमेंट से संबंधित सरकारी नौकरी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो धन रेखा है वो देखिए यहाँ से आपकी आरंभ होती है और सीधी गई है और जाकर हृदय रेखा पर यहाँ पर रुक गई है। आपने देखा कि एक तो बिल्कुल सीधी है, तो आप देखते हैं कि जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स मतलब इस तरीके से नहीं रहते कि बदलाव नहीं रहते, चेंजमेंट नहीं रहते, मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं इधर उधर एरियाज़ में, तो वो कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि धन की जो स्थिति रहती है वो एक विशेष तौर पर एक समान स्थिति रहती है और महंगाई के तौर पर जो भत्ता मतलब जो यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है, कोई ऐसा नहीं रहता है कि मतलब आज अपने पास जॉब है फिर कल नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं रहती। तो हमने देखा कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम बिल्कुल सीधी जा रही है आपकी यहाँ पर इसमें धन रेखा, और ये रेखा धन रेखा भी जो जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, हृदय रेखा तक जा रही है यहाँ पर।
तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहीं मतलब इसको हम एक रिटायरमेंट एज मानते हैं, जो कि 58 से 60 के आसपास की उम्र हम इसको मानते हैं। और यहाँ पे सीधा सा एकदम देखा कि जैसे करियर शुरू किया यहाँ से सीधी रेखा 58 से 60 वाली उम्र में जा रही है, मतलब यहाँ पर। और फिर हमने सन माउंट को देख लिया है, मतलब सूर्य पर्वत को देख लिया, सूर्य की उंगली को भी देख लिया है। तो ये सारी बातों को देखा, और साथ ही क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जब सफलता व्यक्ति को मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो जैसे ये जो धन रेखा होती है उसका संबंध, या तो इस धन रेखा का संबंध या तो धन रेखा से निकलती हुई रेखा एक सूर्य पर्वत से आए तो भी होता है, नहीं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका संबंध अगर बृहस्पति पर भी चला जाए। तो आपने देखा कि यहाँ से रेखा बृहस्पति पर भी जा रही है, ये देखिए, मतलब ये धन रेखा है और यहाँ से हृदय रेखा का जो, क्योंकि इससे जुड़कर ये रेखा कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है बृहस्पति पर्वत पर, ये पर्वत बृहस्पति पर्वत है। तो मतलब कि हमने यहाँ पर सरकारी नौकरी से संबंधित जो विशेष मतलब जो नियम होते हैं यहाँ पर पाम में जो पाए जाते हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो 24 साल की उम्र में इनको ये जॉब नौकरी मिल गई थी। तो अब 24 साल की उम्र में कैसे देखेंगे भाई 24 साल की उम्र में मिली है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम जूम करके दिखाते हैं आपको कि ये आपकी लाइफ लाइन है, ये यहाँ पर ये लाइफ लाइन जा रही है, ये देखिए लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन से एक ऑफ शूट आपको निकलता हुआ दिख रहा होगा। ये आपको 24 ये जो उम्र बैठती है यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 to 25 के आसपास की उम्र बैठती है। और इस एज के अंतर्गत क्योंकि ये जो लाइफ लाइन से निकलती हुई जो रेखाएं होती हैं ये आपकी क्या होती है, प्रगति उन्नति देने वाली रेखाएं होती है जो आपको प्रोग्रेस दिलाती है। तो ये यहाँ पर अगर इस तरीके की रेखाएं आपके हाथ में भी है इस उम्र के अंतर्गत है तो इस उम्र में कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। अब वो सरकारी होगी या नहीं होगी तो वो हम यहाँ से देखेंगे, मतलब सूर्य पर्वत को भी देखेंगे, सूर्य रेखा अगर है बहुत अच्छी बात है, साथ ही आपकी धन रेखा से भी देखेंगे, मतलब ये जो काफ़ी सारे ये जो योग बताए हैं इन सबको हम देखकर इस बात का पता लगाते हैं कि भाई आपकी नौकरी सरकारी होगी या नहीं होगी। साथ ही आपने हम यहाँ पर एक बात और देखते हैं कि ये जो सैनिक का जो जीवन होता है वो कोई लग्जरियस लाइफ नहीं रहती, वो एक कठिन परिश्रम से भरा हुआ, चुनौतियों से भरा हुआ जीवन होता है। तो हाथ में हमने जहाँ तक जैसे देखा भी है कि थोड़ा रफली हाथ भी है, कठोर हाथ है, तो वो भी देखा। साथ ही जो धन रेखा है कि भाई पैसा तो बहुत मेहनत से आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो धन रेखा हैगी वो देखिए काफ़ी मतलब एकदम क्लियर नहीं है, थोड़ी सूजी सी कह सकते हैं, थोड़ी फैली हुई सी कह सकते हैं, इस तरीके से जाती हुई यहाँ पर देखिए ये थोड़ी फैली हुई सी है और इस तरीके से जाती हुई यहाँ पर दिख रही है, ये यहाँ पर से देखिए काफ़ी मोटी हो गई। तो जब ऐसी रेखा मिलती है तो व्यक्ति के पास धन तो आता है लेकिन वो काफ़ी मेहनत से आता है, काफ़ी प्रयास, काफ़ी हार्डवर्क से आता है, कठिन परिश्रम से आता है। और हाथ को देख के ही पता लग रहा है कि काफ़ी कठिन परिश्रम वाला ये हाथ यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं लग्जरी जो सुख होते हैं, मतलब जो ऐश्वर्य से संबंधित जो सुख रहते हैं वो सुख कम दिखाई देता है। जो हम जैसे नॉर्मल आम व्यक्ति कंफर्टेबल तरीके से जीता है उस तरीके का जीवन नहीं दिखता, थोड़ा कठिन परिश्रम वाला जो जीवन है वो दिखाई देता है। तो इसमें हम यहाँ पर देखकर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि भाई सरकारी नौकरी किस प्रकार से हम देखते हैं, और ये आर्मी मैन का हाथ था, एक सैनिक का हाथ था, तो उसको आपने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है कि वो किस प्रकार से योग ये दिखाई देते हैं हाथ के अंतर्गत आपके पाम में कि ये एक आर्मी मैन का हाथ है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।